योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि जो उसके लाभार्थी हैं, सिर्फ वो ही नहीं पर जो कोई हमारे बहन भाई रह गए हो किसी कारण में, जैसे मैंने बताया उज्ज्वला योजना हमारी बहनों को मिलती है, 9,60,00,000 उज्ज्वला कनेक्शन दे दिए थे, फिर माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया 75,00,000 हम और दे रहे हैं, अभी वो 75,00,000 जो नए कनेक्शन है उसमें भी 34,00,000 दे दिए हैं। अगर लगे कि कुछ और भी हमारी बहनें रुक गई है रह गई हैं तो उनको भी करेंगे। इस यात्रा का, इसको सफल बनाने का उसके कई इंस्ट्रूमेंट्स हैं और अभी जो अधिकारी लोग हैं वो इस यात्रा के साथ जुड़ेंगे, वो जाएंगे जगह जगह पे, और अगर कुछ लोग हमारे बहन भाई रह गए हों जो लाभार्थी अभी तक नहीं बन पाए उनसे फॉर्म भरवाएंगे। संहिता की वजह से इन राज्यों में अब तक ये यात्रा शुरू नहीं हो पाई थी। मेरा हर राज्य की नई सरकारों को आग्रह है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का अपने राज्य में तेजी से विस्तार करें। साथियों, विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी भले ही मोदी ने दिखाई है लेकिन सच्चाई ये है कि आज देशवासियों ने इस यात्रा की कमान संभाल ली है। और अभी जिन लाभार्थियों से मैं बात कर रहा था उनसे संवाद से दिखता है कि देश का जन मन इस यात्रा को लेकर कितना ज्यादा उत्साहित है। एक जगह जहां पर यात्रा खत्म होती है वहां से दूसरे गांव या शहर के लोग इस यात्रा की अगुवाई करने लग जाते हैं। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो भी केंद्रीय योजनाएं शुरू की, चाहे वो स्वच्छ भारत अभियान में शौचालय बनाना, प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास बनाना, मेरे शहरी क्षेत्र में 1,19,00,000 हुए हैं उसमें से 71% जो मालिकाना हक है हमारी बहनों और हमारी बेटियों के नाम है। तो ये जो महिला सशक्तिकरण का जो मोदी जी की योजनाओं ने काम पूरा किया उसके लिए मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं। देखिए, मोदी जी ने जब निर्णय लिया कि हमें 2047 तक एक विकसित देश बनना है, विकसित देश का मतलब डेवलप्ड देश बनना है, उसका क्या मायना है? एक तो हमारी आर्थिक स्थिति, हमारा जीडीपी, 2014 में जब मोदी जी ने दिल्ली में दायित्व संभाला उस समय हमारी अर्थव्यवस्था विश्व भर में 10वें स्थान पर थी, आज ये 5वें स्थान पे है और आने वाले 1-2 साल में हमारी जो रेट ऑफ ग्रोथ है हम दुनिया की 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत एक होगा। भारत माता की वंदे, छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति संभाजी महाराज की। मैं विकसित भारत संकल्प यात्रा के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे देश के यशस्वी केंद्रीय पेट्रोलियम एवं शहरी विकास मंत्री माननीय हरदीप सिंह पुरी जी का इस वाघों की भूमि में स्वागत करता हूं। इस मंच पर उपस्थित हमारी जिलाधिकारी श्री विनय गौड़ा जी, जिला परिषद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विवेक जी जॉनसन, जिला पुलिस अधीक्षक श्री रविंद्र सिंह परदेसी जी, आणि या कार्यक्रमात विश्वगौरव देशनायक राष्ट्रपुरुष नरेंद्र मोदी जींचा संकल्प विकसित भारत यामध्ये सहभागी झालेल्या
माझा सर्व देशभक्त राष्ट्रभक्त शेतकरी बंधूंनो, कष्टकरी बंधूंनो, माता भगिनींनो, युवा मित्रांनो, आज हरदीप सिंग पुरी जी हे विकसित भारताच्या या कार्यक्रमासाठी 1200 किलोमीटर दूरून या गावामध्ये आपल्या दर्शनासाठी आले आहेत। स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव आपण साजरा केला व विश्वगौरव देशनायक नरेंद्र मोदीजींनी जेव्हा 26 मे 2014 ला पहिल्यांदा शपथ घेतली, नरेंद्र मोदीजींनी आयुष्यात पहिल्यांदा संसदेत प्रवेश करताना संसदेच्या पायऱ्यांवर आपलं डोकं टेकवलं आणि तेव्हा माननीय मोदीजी जे म्हणाले की संसद मेरे लिए पत्थर की एक इमारत नहीं है, ये लोकशाही का मंदिर है, आम जनता गरीब जनता मेरे लिए भगवान का अंश है और संविधान मेरा धर्म ग्रंथ है। आणि त्या दिवसापासून हा जो हम तुम्हारे साथ हैं, आपका बहुत 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 स्वागत है सर। एंड पुष्प गुच्छ के साथ एक बहुत ही प्यारा सा मोमेंटो जो हम चाहते हैं कि आप हमारे ऑनरेबल चीफ गेस्ट को ये बहुत ही प्यारा सा मोमेंटो दिया जाए। आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी एक बार जोरदार तालियों के साथ वंस अगेन हम स्वागत करते हैं हमारे मुख्य अतिथि का आज इस समारोह में। थैंक यू सो वेरी मच सर। एंड अब मैं विनती करती हूँ माननीय श्री विनय गौड़ा जी से, कल्चरल अफेयर्स फिशरीज इन महाराष्ट्र गवर्नमेंट एंड गार्डियन मिनिस्टर ऑफ चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर।